ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। सो साउंड सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन एज वी हैव डन। एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ द प्रीवियस टू क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन। सो इन दिस ए बी सी डी इज अ ट्राइंगल, दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड द कॉर्नर एंगल्स आर ऑलरेडी एट 90 डिग्री, ऑल द एंगल्स। Show that AB CD is a square. We need to prove that all the sides are equal and diagonal, as we know already that they are at 90 degree. So diagonal BD, this diagonal bisect this and this. And like in the similar previous question, we have given that AC bisect angle A as well as C. That means this is equals to this. एंड इज इक्वल टू दिस। सो पहले जैसे हम मूव करेंगे कि जो एंगल डी ए सी है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू, एंड ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बट ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये हमने प्रूव करा था इसमें, जो कि हमें गिवन है। और इन सिमिलर वे वी कैन से दैट इफ दीज टू, नाउ अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी। तो इससे ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सारी साइड्स है हमारी इस क्वाड्रिलेटरल की वो इक्वल आ गई। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर है। अब ये प्रूव करना है कि जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही एंगल बी और डी को। तो उसके लिए हमने दो ट्राइंगल कंसिडर करे, ए बी एंड डी और सी बी एंड डी। तो इन दोनों ट्राइंगल में अब क्या है, ए बी जो है वो इक्वल है सी बी के, ए डी इज इक्वल टू डी सी एंड बी डी इज कॉमन, दिस साइड इज कॉमन। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इन ए डी बी, ए डी बी दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड इन अ सिमिलर वे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हेंस वी प्रूव द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड सिमिलर क्वेश्चन in a twisted, not in a twisted way but vice versa way. So if you have done one type of question, you can do the another question easily by reversing the order of the steps.